उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में एसओजी व थाना खेरीघाट पुलिस टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई से हुआ अज्ञात व्यक्ति के मर्डर का खुलासा। मृतक की हुई शिनाख्त एवं हत्यारे हुए गिरफ्तार। शादी कराने के बहाने 4,50,000 साथी ले ली व्यक्ति की जान। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के बहराइच के थाना खेरीघाट क्षेत्र के ग्राम दूधाधारी दाखिला वैवाहिका है, जहां गन्ने के खेत में 25/6/2021 को एक अज्ञात व्यक्ति की गला काट कर हत्या कर दी गई थी। साथ ही व्यक्ति की पहचान मिटाने के लिए चेहरे पर तेजाब डाल दिया गया था। अज्ञात व्यक्ति की पहचान कराने के लिए बहराइच पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह द्वारा एसओजी सर्विलांस की संयुक्त टीम गठित की गई थी। प्रकरण में सबकी शनाख्त कराने व हत्यारों का पता लगाकर गिरफ्तारी करने के कड़े निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अशोक कुमार, जनपद बहराइच व क्षेत्राधिकारी महसी जयप्रकाश त्रिपाठी के कुशल निर्देशन में कड़ी धाराओं में दर्ज मुकदमे से संबंधित अज्ञात मृतक युवक की शनाख्त पुरुषोत्तम तिवारी और प्रमोद तिवारी पुत्र राम सेवक निवासी पटवारी पूर्वा दागिल बसवा थाना बौड़ी जनपद बहराइच के रूप में हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंकज सिंह, बहराइच, यूपी। 25 जून को हमें थाना क्षेत्र खैरीघाट में एक अज्ञात बॉडी मिली थी, जिसके कि गले पे चाकू से वार था और उसका पहचान मिटाने के लिए उसके चेहरे पे तेजाब डाला गया था। जब इस घटना के खुलासे में थाना खैरीघाट क्षेत्र के हमारे थानाध्यक्ष के साथ उनकी टीम और हमारी एसओजी टीम ने मिलकर के इसको खुलासे के लिए कई टीमें बनाई गई, जिसमें इन लोगों ने महत्वपूर्ण कार्य किया और कल इस घटना का खुलासा हुआ है। घटना के संबंध में जो क्रमवार तरीके से दो तीन बिंदु प्रकाश में आए, वो मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। जो इसमें मृतक है, उसकी पहचान प्रमोद तिवारी उर्फ पुरुषोत्तम तिवारी के रूप में हुई है। ये मिराज और सैयद, ये दो व्यक्ति हैं, उनके संपर्क में आए और क्योंकि इनकी शादी नहीं हो रही थी तो वो किसी तांत्रिक से अपना इलाज कराना चाहते थे। मिराज और सैयद ने प्रमोद तिवारी का संपर्क ताज मोहम्मद उर्फ राजू से कराया। शादी करवाने के एवज में उन्होंने 4.5 लाख रुपए फीस की डिमांड की। इन्होंने अपना खेत बेचा प्रमोद तिवारी ने और वो राजू को 4.5 लाख रुपए दे दिए। इसी क्रम में जब इनकी शादी का दबाव, मतलब शादी नहीं हो रही थी और ये जब दबाव बनाने लगे इन तीनों पर, तो इन्होंने इनको बुलाया और एक और प्रलोभन दिया कि थाना क्षेत्र खैरीघाट में एक कहीं पर हमें सोने का खजाना मिला है, तो उसको हम लोग जब मुहूर्त होगा उसमें जाएंगे और उसको खोदने का प्रयास करेंगे और उससे जो सोना निकलेगा उससे हम सबको लाभ मिलेगा। इसी क्रम में क्योंकि बार बार पुरुषोत्तम तिवारी, जो राजू उर्फ ताज मोहम्मद, मिराज और सैयद, इन पर दबाव बना रहा था अपनी शादी को लेकर के, तो इन्हें ये महसूस हुआ कि अगर बहुत दिनों तक इसकी मतलब हम शादी नहीं करा पाए और ये दबाव बनाता रहेगा इस तरीके से तो उनको दिक्कत होगी, तो इसको बहला फुसला करके एक इन्हीं की स्प्लेंडर जो मोटरसाइकिल है उसको, उस पर सवार होकर के ये लोग थाना क्षेत्र खैरीघाट में गए और वहाँ पर इसकी हत्या कर दी। जो इसमें बांका प्रयुक्त हुआ है जिससे इसकी हत्या की गई, वहीं पर जमीन में गाड़ दिया गया, जिसकी बरामदगी कर ली गई है। इसके अलावा 50,000 रुपये जो हमें सैयद से मिले हैं वो भी, उसको भी रिकवर कर लिया गया है। इसमें से एक लाख रुपए चांद, जो मोहम्मद चांद थे, उन्होंने इनको दिया है, मिराज और सैयद को। और अभी जो तीसरा अभियुक्त है ताज मोहम्मद, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, बाकी दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। इसमें बरामदगी के रूप में एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, जो वेपन ऑफ ऑफेंस है वो, और तीसरा 50,000 रुपये इसकी बरामदगी हुई है। ये एक ब्लाइंड केस था, इसको हम लोगों ने लोकल मुखबिरी और सर्विलेंस की मदद से खोला है। थोड़ा समय ज़रूर लगा,